क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करने लगे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। बड़े ध्यान से आपने स्टेटमेंट को समझना है। ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक ग्राउंड पे क्या लगा हुआ था, ट्री लगा हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो टूट जाता है। कितनी हाइट से टूटता है वो, ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट से वो टूट जाता है, और टूटने के बाद जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, नेचुरली करेगा ही करेगा वो टच, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। आपको क्या करना है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है ट्री की। तो इसकी मैं एक फिगर बनाऊंगा आपके सामने, फिगर को बड़े ध्यान से समझना है। फिगर अगर आपको समझ आई तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। देखो, ये बनाया मैंने ग्राउंड लेवल। अब आम तौर पे जो ट्री है वो क्या 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं ना आम तौर पे, तो ये मैंने ले लिया ट्री, ये पूरे का पूरा ट्री आ गया। मान लो कि वो यहां से टूट गया, ये टूटा, ये ग्राउंड से कितनी ऊपर था, ये 12 मीटर। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये था ना, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये ही ऐसे हो के ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लो कि ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला जो हिस्सा था ये ऐसे ड्रॉप होके नीचे गिर गया, ये गिरा। ठीक है, मतलब ये चीज़ जो थी, ध्यान से सुनना, ये चीज़ कहाँ पे आ गई, ये इधर आ गई। इसी को दिमाग में रखना है आपने, तो क्वेश्चन आपके कब्जे में। क्या चीज़, ये चीज़ मुड़ के ये बन गई वो। अब इसको, ये इसको बुला दो, इसको रख, देखना ही नहीं है अब आपने। अब ट्री का टॉप मेरे को बता सकते हो कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये कहाँ से होगा, तूने उंगली इधर लगाई, लाइन मैंने ट्री का टॉप कह रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे इधर गिर गया, तो ट्री का टॉप ये जो था वो कहाँ पे लगा, इधर लगा। तो ये ट्री का जो टॉप था ये अब ग्राउंड के साथ जो टच कर गया है, ये ट्री के बेस से, यहाँ पे ट्री की जड़ होती है वो कहाँ पे है, ये है ना ट्री की जड़, तो ट्री के बेस से वो कितनी दूर है, 5 मीटर है ये। आपको क्या करना है, इस ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्री तो था ही 12, अब और क्या उसमें हमें चाहिए, ये चीज़ चाहिए, चाहिए नहीं, तो ये चीज़ कहाँ पे आ गई है, वो ये आ गई है। तो मैं ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लूँगा, फिर इसको और इसको प्लस कर दूंगा, तो आ गई हाइट। क्लियर कट हो गया क्वेश्चन सारा। अब इसका कोई नाम दे दो आप अपने मर्जी से, ए बी सी। सीधा हम इधर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट, हम इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, पांचवा ये और एक्सरसाइज 6.5। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या, ए सी का स्क्वायर, बेस कितना बी सी का, और परपेंडिकुलर कितना ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें नहीं पता है, वैसे कैसे रहा, बी सी के लिए कितना है 5 का स्क्वायर, ए बी के लिए कितना है 12 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके बराबर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 12 का स्क्वायर 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना 144 होता है। ए सी स्क्वायर अब इनको प्लस कर दो 169 होता है। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 169 आ जाए, मैं बताता हूँ अभी आपको। स्क्वायर हटा दो, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट का साइन, तो वो 13 होता है, ये 13 मीटर आ गया। एसी कितना आ गया 13 मीटर। तो नाउ ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वो किसके बराबर आएगी, ए बी तो आएगा ही आएगा, और उसमें ये जो हाइट थी जो क्या बन गई,
एसी बन गई वो प्लस कर देना है। ए बी कितना 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं होगा मीटर होगा यार, सेंटीमीटर में कहाँ कोई प्लांट होता है, प्लांट तो हो सकता है ट्री नहीं हो सकता, ट्री क्या होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, तो इधर भी मैंने सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर करना पड़ेगा। और एसी कितना 13 मीटर, तो ये कितना आ गया 25 मीटर उस ट्री की हाइट रही है ओरिजिनल। ठीक है समझ आया। अब अगला क्वेश्चन आपकी बुक पे ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी, ये आपको एक फिगर दी हुई है, ये दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल गायब है ये, है ना। पहले तो हम इसको निकाल लेंगे, तो इसको निकालना जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल दिए हों और तीसरा निकालना हो, आज से इस बात को दिमाग में बिठा लो। वैसे पहले भी बताई हुई है आपको, नहीं याद रही है तो दोबारा सुन लो। जो एंगल दो दिए होते हैं ना, सबसे पहले जल्दी से उनको प्लस कर लेना है, 25 और 65 करो प्लस, 5 और 5 कितना हो गया 10, एक कैरी ओवर, 6 2 8 हो रहे कितना हो गया 9, ये निकालना ना हमने अभी, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 90। अब जो आपका आंसर आया ना 90 दो को प्लस करके, उसको जल्दी से 180 में से माइनस कर देना है, तो वो भी क्या आएगा, ये तीसरा जो एंगल है ये किसके बराबर आ गया 90। कहने का मतलब ये कि ये राइट एंगल ट्राई एंगल है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखो जरा क्या बना, 90 के सामने वाली क्या बनी, ये यही बनी ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हुआ, आर का स्क्वायर है यहाँ पे कोई, क्या हुआ आर का स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा या ये वाला, ये देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हुआ, आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो वो कौन सा था, ये सेकंड ही तो था, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ आर स्क्वायर, हो गया ये बुक पे ही हो गया क्वेश्चन। इसमें आपको एक चॉइस देनी थी, ये आ गई है चॉइस, ये नहीं आपकी अपनी मर्जी नहीं, जो ठीक है वो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी 40 सेंटीमीटर और एक डायगनल कितना दिया हुआ है 41। अगर एक डायगनल 41 है तो दूसरा भी इतना ही होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल के दोनों डायगनल बराबर होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक डायगनल से ही हमारा काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, 6 आपको बुक पे करवाया। देखो मैं पहले बनाऊंगा रेक्टेंगल, बनाऊंगा एक, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, चार कोने दिख रहे हैं ना आपको इसके, हर एक एंगल 90, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, डायगनल ये वाला ले लो या ये वाला ले लो कोई एक, ये वाला ले लो, कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। आपने इसका क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर तो तभी निकलेगा इसका जब आपके पास लेंथ तो दी है ब्रेड्थ भी हो, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला होता है ये ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ तो मेरे पास है ब्रेड्थ कहाँ से लूँ, तो ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। ये एंगल 90 है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल देखो जरा ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। ठीक है आपने क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, देखा कितनी बार यूज हो रही है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 90 के सामने जो है एसी, पहले ऐसे अल्फाबेट में, बेस कितना हो गया ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया बी सी का स्क्वायर, दो अब वैल्यू, एसी की वैल्यू कितनी 41 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू 40 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, करो 41 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई, 41 मल्टीप्लाई 41
तो ये कितना आ गया 1681। 40 को अपने आप से ही 1600 प्लस बी सी स्क्वेयर, क्या करना है आपने 1681 इसको ले आओ इधर, माइनस 1600 इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ से बी सी स्क्वेयर को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1681 में से 1600 गया तो कितना आ गया 81 आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, तो बी सी स्क्वेयर 81 आया था, मैं इधर द्वारा लिखने लगा हूँ, बी सी स्क्वेयर इक्वल टू 81 आया था। अब यहाँ से क्या करना है, बी सी निकालना है, दूसरी तरफ क्या आएगा रूट का साइन, ढूंढो कोई नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 9 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू आ गई कितनी 9। बी सी एक्चुअली है क्या, ब्रेड्थ है। नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये फार्मूला आपको याद करना है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये ट्वाइस ऐसे ही, लेंथ कितनी दी थी उसने, खुद ही दी थी आपको 40 दी थी, ब्रेड्थ अभी निकाल लिया आपने, ये ट्वाइस तो आया ही आया, 40 प्लस 9 कितना आ गया 49 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है 49 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इसका आठवां क्वेश्चन क्या है, एक रोम्बस दिया हुआ है, उसके दोनों के दोनों डायगनल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं डायगनल 16 और 30 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का, रोम्बस के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो दोनों के दोनों डायगनल्स दिए हुए हैं, इन दोनों डायगनल्स की मदद से आपने क्या करना है, पहले उसकी साइड निकालनी है, जब साइड निकल गई तो बस हो गया क्वेश्चन। और रोम्बस के डायगनल की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि उसके जो डायगनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो देखो पहले बनाएंगे रोम्बस, हम रोम्बस की हर साइड बराबर होती है, तो कोशिश करनी है हर साइड बराबर दिखाने की। रोम्बस जैसे एक पतंग होती है ना उस शक्ल की, ये इसका डायगनल एक, दूसरा ये डायगनल क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर। दोनों डायगनल क्या क्या दिए थे, 16 और 30 दिया था ना, 16 का आधा करो कितना होता है 8, ये भी 8 ये भी 8, मीटर था सेंटीमीटर था सेंटीमीटर, 8 8 कितना होता है 16 होता है ना, दूसरा डायगनल क्या था 30, तो ये कितना 15 और ये भी कितना 15 सेंटीमीटर। नाम दे दो इसका ए बी सी डी, और इसका नाम भी दे दो, कोई ओ दे दो नाम। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, चारों के चारों ट्राइंगल नहीं लेने, कोई एक ट्राइंगल ले लेना और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर इसको ले लिया जाए यूजिंग ये एंगल जो है ये 90 का है, क्योंकि एक रोम्बस के आधे आधे क्यों हुए, ये वाला डायगनल भी आधा हो गया ये वाला भी क्यों हो गया, याद रखना डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर भी होते हैं इसलिए 90 का एंगल, और बाइसेक्टर भी होते हैं, बाइसेक्टर मतलब एक दूसरे को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं वो, तो किसी भी ट्राइंगल में इधर 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 कहीं भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट किसी भी ट्राइंगल में। फिर क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो ये वाला ट्राइंगल ही ले लेते हैं, 90 के सामने ए बी का स्क्वायर, बेस ये ओ बी, ओ बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। दे दो वैल्यू जो जितनी है,
ए बी स्क्वेयर ऐसे ही रखो, ओ बी की वैल्यू कितनी 15 का स्क्वेयर, ओ ए की वैल्यू कितनी 8 का स्क्वेयर, ठीक है। ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 15 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई 225, 8 को अपने से ही 64, ऐड कर लो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 225 प्लस 64, इन दोनों को ऐड करना है, कितना आया 289। ए बी किसके बराबर, फिर दूसरी तरफ रूट का साइन, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 289 आए, वो 17 होता है। कितना आ गया 17. जितना ए बी होगा उतना ही ए डी होगा, उतना ही सी डी होगा, उतना ही बी सी होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सारे के सारे सेम ही बन रहे हैं ना, और रोम्बस की हर एक साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, निकालना क्या है आपने, आपने निकालना है इसका पैरीमीटर। नाउ पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस, फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो 17 को हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 68 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म हुई, इसके साथ साथ ये यूनिट भी ख़त्म हो गया, तो इस यूनिट को कापियों पे कंप्लीट कर लेना है।